दोस्तों श्रद्धा कपूर इस समय बॉलीवुड की नंबर वन एक्ट्रेस में शामिल है जिनकी फिल्मों को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वहीं श्रद्धा कपूर के पास अभी एक दो नहीं बल्कि पांच बड़ी फिल्में हैं जिसमें से हर एक फिल्म ब्लॉकबस्टर बन सकती है। और वहीं दोस्तों अब जल्दी श्रद्धा कपूर आपको बागी 3 में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट दिखेगी। और इससे पहले श्रद्धा कपूर हमें टाइगर के साथ बागी में भी दिखी थी और बागी में श्रद्धा कपूर का एक सॉन्ग छम छम जिसे बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था और इस सॉन्ग को अब तक 400 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। और दोस्तों एक बार फिर आपको छम छम सॉन्ग दिखेगा बागी 3 में। जैसे यहाँ मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर अहमद खान ने बागी 3 में एक बार फिर से छम छम सॉन्ग के रिक्रिएट वर्जन को रखने का मन बना लिया है क्योंकि इस सॉन्ग को बागी में काफी ज्यादा पसंद किया गया था और इस सॉन्ग के नए रूप को फैंस देखना काफी पसंद करेंगे। दोस्तों जहाँ बागी 3 जितनी एक्शन से भरी होगी उतने ही शानदार सॉन्ग होंगे फिल्म में। और इस समय बागी 3 में आपको काफी शानदार सॉन्ग सुनने को मिलेंगे और उनमें से एक सॉन्ग होगा छम छम। दोस्तों बागी 3 में एक बार फिर से आपको टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर छम 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 करते दिखेंगे और इस सॉन्ग को एक बार फिर से एक नए रूप में देखना तो काफी कमाल होगा ही क्योंकि यहाँ बागी में हमें छम छम सॉन्ग काफी शानदार दिखा था। वही दोस्तों क्योंकि इस बार बागी 3 को डेजर्ट में शूट करने की तैयारी है तो दोस्तों इसमें डेजर्ट में तो रेनिंग सॉन्ग हो नहीं सकता है। तो इसे में आप सोच सकते हैं कि फिल्म की स्टोरी काफी अलग तरह की होगी और फिल्म के एक्शन की फिक्र करने की तो जरूरत है ही नहीं क्योंकि फिल्म में है टाइगर श्रॉफ। दोस्तों यहाँ मीडिया से आ रही रिपोर्ट यदि सही होती है तो एक बार फिर आपको बागी 3 में देखने को मिलेगा छम छम सॉन्ग और ये सॉन्ग आपको दिखेगा पहले से भी ज्यादा शानदार। और दोस्तों छम छम सॉन्ग को एक बार फिर से देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।